दोस्तों, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर आपके साथ हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं डिग्री के बारे में। डिग्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कई लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम इसको कैसे समझें, कैसे क्या करें। तो मैं आपका ये कंफ्यूजन आज दूर जरूर करूंगा। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें और निश्चित रूप से मेरा पूरा भरोसा है कि आपकी डिग्री बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं डिग्री है क्या। तो दोस्तों, डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री वास्तव में एक एडजेक्टिव का कंपेरिजन होता है। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है जब कभी हम नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएं उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे मैं एक नाउन हूँ, मेरा नाम एक नाउन है, और अगर मेरी कोई क्वालिटी बताई जा रही है, मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ, क्वालिटी अच्छी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, तो वो मेरी क्वालिटी है। अब मेरी क्वालिटी का ही किसी से कंपेरिजन होगा। जैसे मैं उससे अच्छा हूँ, तो इसमें क्या कर रहा है? कंपेरिजन हो रहा है उससे। मैं सबसे अच्छा हूँ तो सबसे कंपेरिजन हो रहा है। तो जब कभी हम क्वालिटी का कंपेरिजन यानी एडजेक्टिव का कंपेरिजन करते हैं तो उसको बोलते हैं डिग्री। अब सबसे पहले जानते हैं कि डिग्री कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, डिग्री तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपेरेटिव डिग्री, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? जब कभी भी आपको सो डॉट 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 एच या एज डॉट 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 एच दिखाई दे जाए, समझ लेना ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। यहीं पे अगर हम कंपेरेटिव डिग्री की बात करें तो कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है? जब कभी भी देन लगाओ किसी एक सेंटेंस है जिसमें देन लगा है, या फिर ER या मोर में से कोई एक चीज लगी है, तो उसको हम बोलते हैं कंपेरेटिव डिग्री। अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो दा लगा है उसमें तो लगा ही रहेगा। अगर हम EST और या फिर मोस्ट में से कोई एक चीज देखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। क्या होता है, किसी के भी कंपेरिजन का कोई भी वर्ड है उसकी तीन फॉर्म होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे मैंने बोला गुड, तो गुड एक पॉजिटिव है, बेटर इसकी कंपेरेटिव है और बेस्ट इसकी सुपरलेटिव है। ऐसे बहुत सारे वर्ड आप देखें और समझें कि हम कैसे डिग्री को बनाते हैं। अगर बैड की बात करें तो बैड, वर्स, वर्स, ये तीन डिग्री होती हैं। अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला टॉल, तो टॉल की टॉलर, टॉलेस्ट। मैंने बोला कूल, कूलर, कूलेस्ट। मैंने बोला बिग, विगर, विगेस्ट। मैंने बोला इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। मैंने बोला हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। मैंने बोला लिटिल, लेस, लीस्ट। मैंने बोला मैनी या मोर, जैसे मैंने मैनी या मच, सॉरी मैनी या मच, तो हम लोगों को इसका बनाएंगे मोर और मोस्ट। मैंने बोला फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। ऐसे किसी भी एक वर्ड की बात करें तो उसको तीन हम लोग भागों में बांटते हैं। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपेरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर हो चुका होगा। अब अपन लोग जरा देखते हैं कि हम कैसे डिग्री को आपस में बदलते हैं, हाउ टू इंटरचेंज डिग्रीज, मतलब कि कैसे आपस में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुपरलेटिव इनटू पॉजिटिव, यानी कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कैसे बनाएं। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे सुपरलेटिव से पॉजिटिव बना रहे हैं तो इसमें डिग्री जो आएगी, क्वेश्चन जो आएगा, उसका नाउन जो होगा वो सबसे सुपर होगा, उसको पॉजिटिव में ले जाना है तो हमें नो अदर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सबसे पहले नो अदर लगाना है, उसके बाद नाउन लगानी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर एज लगाना है, फिर इंटेलिजेंट मतलब जो आपका पॉजिटिव डिग्री है वो लगानी है, फिर एज लगाना है, फिर उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्ट लगाना है, फिर जो अदर वर्ड है वो लगाने हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप अच्छी तरह से हम समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आया, रवि इज द बेस्ट बॉय ऑफ क्लास, इसको हमें एक पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो हमने देखा रवि इज बेस्ट बॉय, तो हम पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो आंसर क्या होगा, नो अदर बॉय इज एज गुड एज रवि ऑफ क्लास। यानी कि हमने क्वेश्चन में ये बोला था कि रवि सबसे अच्छा लड़का है, अब हमें कंपेरिजन तो करना ही है, तो हम लोगों ने देखा कि कोई भी लड़का रवि जैसा अच्छा नहीं है, ऐसा हमने बना दिया। तो नो अदर बॉय इज एज गुड एज रवि ऑफ क्लास। ऐसे एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला राहुल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ कॉलोनी, अब इसमें राहुल एक सबसे इंटेलिजेंट बॉय है, तो इसका आंसर कैसे बनेगा? तो आंसर बनेगा नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज राहुल ऑफ कॉलोनी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब कभी सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदल रहे हैं तो नो अदर लगा रहे हैं। एक और देखते हैं, सुपरलेटिव इनटू कंपेरेटिव, यानी कि सुपरलेटिव में जो कोई बेस्ट है उसको कंपेरेटिव में बदल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना है, जब हम सुपरलेटिव से कंपेरेटिव में बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अब कंपेरिजन करना है, कंपेरिजन करना है तो हमें एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या रहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कंपेरेटिव डिग्री, फिर उसके बाद देन, उसके बाद एनी अदर, उसके बाद जो भी नाउन है वो, और उसके बाद अदर वर्ड। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आया
सीमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ कॉलोनी। दोबारा देखें, सीमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ कॉलोनी, इसमें सीमा को सबसे ब्यूटीफुल गर्ल बताया गया है। अब इसको हमें कंपैरेटिव में बदलना है, तो हम कैसे बनाएंगे देखिए। सीमा इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल ऑफ कॉलोनी। पहले मैंने बोला था कि सीमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ कॉलोनी, अब मैं बोल रहा हूँ कि सीमा इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल ऑफ कॉलोनी, यानी कि मैं दूसरी लड़कियों से सबका कंपेरिजन कर दिया सीमा का, तो कंपेरेटिव डिग्री हो गई। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, एक क्वेश्चन है मान लीजिए। तो अब मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी यहाँ पे बताया जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे और बोलेंगे मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदलते हैं और सुपरलेटिव से कंपेरेटिव में बदलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें कि कैसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री को कंपेरेटिव डिग्री में बदलें और कंपेरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलें, इंटरचेंज दोनों को उल्टा कैसे करें, तो ध्यान रखना जब कभी हम पॉजिटिव से कंपेरेटिव में और कंपेरेटिव से पॉजिटिव में बदलते हैं तो दो चीजें हम लोग ध्यान रखते हैं। पहला नोट नंबर वन, नोट नंबर वन ये है कि ऑब्जेक्ट को पहले ले लाते हैं और सब्जेक्ट को बाद में ले जाते हैं दोनों डिग्रियों में। दूसरा नोट है कि अगर नॉट नहीं लगा है तो लगा देते हैं और लगा है तो हटा देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने बोला कि सीमा रीमा से अच्छी है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सीमा इज एज गुड एज रीमा, मतलब सीमा रीमा से अच्छी है। अब इसी को अगर मेरे को बोलना है कि इसमें इसको हमने पॉजिटिव डिग्री ले लिया, अब इसे कंपेरेटिव डिग्री में बदलना है, तो मेरे को ये बोलना पड़ेगा रीमा उतनी अच्छी नहीं है जितनी की सीमा, तो फिर हम लोग इसको कंपेरेटिव में ले जाएंगे यानी कि नॉट लगाएंगे। तो समझ में आया कि नहीं, जब कभी भी हम लोग इन दोनों को इंटरचेंज करें तो नॉट नहीं लगाया तो लगा देते हैं और लगाया तो हटा देते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं और सब्जेक्ट को बाद में ले जाते हैं। अब एग्जाम्पल करते हैं जिससे अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है, मैंने बोला रीमा इज एज गुड एज सीमा। दोबारा देखें, रीमा इज एज गुड एज सीमा, इसको कंपेरेटिव में बदलना है। चलिए पहले ऑब्जेक्ट ले आते हैं, तो हम लोग बोलेंगे सीमा इज नॉट बेटर देन रीमा। दोबारा देखें, सीमा इज नॉट बेटर देन रीमा, इस तरह से हम बना देते हैं। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन है कि इंदौर इज बिगर देन ग्वालियर, इंदौर इज बिगर देन ग्वालियर। अब इंदौर जो है वो ग्वालियर से बड़ा है, तो इसका कैसे आंसर बनेगा, आंसर बनेगा ग्वालियर इज नॉट एज बिग एज इंदौर, ग्वालियर उतना बड़ा नहीं है जितना कि इंदौर। तो आपको समझ में आ गए होंगे जब कभी हम पॉजिटिव से कंपेरेटिव में बदलते हैं और कंपेरेटिव से पॉजिटिव में जब बदलते हैं तो दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं और नॉट नहीं लगाया तो लगा देते हैं और लगाया तो हटा देते हैं। एक और देखते हैं, हम लोग चार डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, छह डिग्री टोटल होती है क्योंकि तीन के दो दो बनते हैं। अब देखते हैं दो डिग्री जो बची हुई है, जैसे मेरे को पॉजिटिव डिग्री को अगर सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है तो हम स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो करेंगे, तो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉजिटिव इंटू सुपरलेटिव। जैसे क्वेश्चन आया, मैंने क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमारे सामने आया, नो अदर बॉय इज एज हैंडसम एज राहुल ऑफ कॉलोनी। क्वेश्चन दोबारा देखें, नो अदर बॉय इज एज हैंडसम एज राहुल ऑफ कॉलोनी, इसको बदलना है सुपरलेटिव डिग्री में, तो आंसर क्या होगा, राहुल इज द मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ कॉलोनी। तो हम लोगों ने पॉजिटिव ली थी तो उसको हमने सुपरलेटिव में बदल दिया कि राहुल सबसे हैंडसम बॉय है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मैंने बोला नो अदर मैन इज एज वाइज एज राम इन दिस एरिया, ये क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा राम इज द वाइजेस्ट मैन इन दिस एरिया, आंसर क्या बनेगा राम इज द वाइजेस्ट मैन इन दिस एरिया। इसी प्रकार कंपेरेटिव से अगर हम सुपरलेटिव में बदले तो कंपेरेटिव सुपरलेटिव में हम बदलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसको भी सुपर बताते हैं। जैसे इसमें भी स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद द, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, प्लस नाउन और प्लस अदर वर्ड जो है वो हमारे फॉलो होंगे। जैसे क्वेश्चन आया, मैंने क्वेश्चन बोला कि रवि इज मोर हैंडसम देन एनी अदर बॉय ऑफ कॉलोनी, रवि इज मोर हैंडसम देन एनी अदर बॉय ऑफ कॉलोनी, तो इसको हमें क्या करना है, रवि को सबसे हैंडसम बताना है, तो आंसर होगा रवि इज द मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ कॉलोनी। इस तरह से हम सेंटेंस को और डिग्री को आसानी से बदल सकते हैं, और दूसरे कॉम्पिटेटिव पर्पज के हम डिग्री सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।